कैसे हो आप लोग? अच्छा, आज के वीडियो में हम लोग जो है वेब डेवलपमेंट का नेक्स्ट वीडियो देखने वाले, मतलब कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था जिसमें हम लोगों ने बनाया था एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स का। आपको फिर से दिखा देता हूँ क्या हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बनाया था, बस दिखा देता हूँ आपको। हम लोगों ने बनाया था कुछ इस तरीके का चीज, दिस इज माई फर्स्ट पैरा, दिस इज माई सेकेंड, और ये कुछ ऐसा बनाया था। आज की इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो कहते हैं जो आज का टॉपिक है वो बड़ा अमेजिंग है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, एक नया फाइल बना लेना है। तो मैं लग दूंगा tut9.html बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। मैं तो लिखा tut9.html और उसने इंटर कर लिया। और कहिए अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दो यार, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, अगर आपने मेरे वेबसाइट अभी तक विजिट नहीं किया तो यही लोग कर लो, ये देखो मेरा वेबसाइट ये है। आप लोग इधर आके आप मेरे को कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट आके आप लोग यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। जैसे मेरा नाम है आर्यन पांडे, मैं लिखूंगा। और आपको अपना जो भी आपका ईमेल एड्रेस है मैं डाल देता हूँ, जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है कोड aryan@gmail.com। और फिर आपको मेरा वेबसाइट कैसा लगता है, मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मतलब आपको कोड लिखता हूँ, आपको जैसा लगता है उसे लिख के आपको उसको सबमिट कर देना है। बस ये मेरे वेबसाइट का आप जैसे ही करोगे तो आप मेरे पास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और भाई प्लीज कर दो, अभी तक वो 6,000 ने किया है, फटाफट से कर दो प्लीज। चलिए इस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने कोडिंग पे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग इधर क्या करेंगे, एक ब्लू प्रिंट लगा देते हैं। जैसे आप लोगों ने ये ब्लू प्रिंट देख लिया, और ये मैं बता देता हूँ हम लोग ये स्क्रॉल डाउन कैसे कर रहा हूँ। मैं जूम इन जूम अप, अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख लो, तभी मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। आपको क्या करना है, अपने यूजर्स पे आना है, ये हाँ ये यूजर मैनेजर्स पे आना है। फिर आपको अपने सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको सर्च सेटिंग में जाना है, इधर लिखना है जूम। अब जैसे जूम करते हो तो आपको ये वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपका 0 रहेगा तो आपको इसको 1 कर देना है, और इसको इंटर करो, इसको यहाँ पर ये टच कर दो बस, और इसको बंद करो। और अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कोडिंग के लिए। हम लोग जो है सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। हम लोग ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं सिंपली अपने कोडिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये फ्री पेड है, आपको इसे आपको ना कोई फी भरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बस डाउनलोड कर लो। आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद आप अगर जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, आप मैक है, लिनक्स है, जो भी है, आपको फिर इसको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, बस आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको अपने पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लें। तो ये शुरू करते हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, आपको इधर लिख देना है CSS, आपको यहाँ लिख देना है CSS selector। जैसे आप इधर लिखते हो CSS selectors, तो अभी आपको क्या करना है, अपने लाइव सर्वर को फिर से बंद करके नया लाइव सर्वर खोल लेना है। जैसे मैं नया लाइव सर्वर खोलूंगा तो मेरे पास आ गया CSS लाइव CSS selector, ये भी बड़ी अच्छी बात है भैया। तो अभी आपको क्या करना है, आपको अपने बॉडी में आ जाना है, और इधर पहले तो आप लोग यहाँ पर आए टाइटल पे, इधर इंटर करके आपको इधर लिख देना है CSS, सॉरी आपको इधर लिख देना है स्टाइल, और फिर इसको इधर इंटर करके कुछ इस तरीके से छोड़ के बॉडी में आ जाओ। इधर आप एक लिख दो फटाफट से H3 लिख के इधर लिख दो, इधर आप लोग इधर CSS selector, सॉरी आपको CSS selectors को लिख देना है। और आपको इधर आ जाओ अपने गूगल ब्राउजर पे, तो आप देख सकते हो इधर हमारा CSS selector आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स डालेंगे, तो मैं तो लिखूंगा पी लिखने के बाद वन सेकेंड स्मॉल पी होना चाहिए, आपको यहाँ लिखना होगा दिस इज अ सिंपल CSS selector, बस इतना लिखने के बाद आपको इसको 3 बार कंट्रोल भी कर देना है कुछ इस तरीके से।
आप देख सकते हो, जब मेरा आ चुका है 3 CSS इलेक्ट्रॉन, मैं इसको अगर कंट्रोल एस करके सेव करूँ तो आप इधर देखो मेरा 3 बार आ चुका है, 3 बार। दिस इज अ सिंपल सीएसएस सिलेक्टर, दिस इज अ सिंपल सीएसएस सिलेक्टर। अब जो हम करने जा रहे हैं स्टाइलिंग, तो मैं स्टाइलिंग करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इन जो दिख रहा है आपको, मतलब 3-4 पैराग्राफ्स, इनको मैं कुछ आईडी दे दूंगा। अब आईडी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आईडी एक सीएसएस को लोकेट करने का काम करता है कि आपने आईडी में जो भी नाम दिया हो, जैसे आप जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते, जैसे मेरा नाम आर्यन है, मेरे को कोई ढूंढने के लिए आए तो भी मैं कुछ चिल्लाए आर्यन तो मैं मिल जाऊँ उससे, तो वैसे ही आईडी में भी काम वही रहता है। आईडी भी बस आपको ढूंढ के निकालता है कि यहाँ पर भी पैराग्राफ में है, तो मैं जैसे कि लिखूँ आईडी, हम मैं लिख दूंगा फर्स्ट, वन सेकेंड, लिख दूंगा मैं फर्स्ट, मैं जब लिखूंगा फर्स्ट पैरा तो अच्छा लगेगा, फर्स्ट पैरा। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपने स्टार्टिंग में अगर स्मॉल दिया हो, आपको देखिए स्टार्टिंग में स्मॉल दिया, तो मैं इसके लिए इधर कैपिटल लूंगा फर्स्ट पैरा। अब मैं करूँगा इधर आके अगर लिखूँ हैशटैग फर्स्ट और देन हैशटैग फर्स्ट पैरा, मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा के इंटर कर दूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे कर्ली ब्रैकेट में कुछ इस तरीके से कलर आया है। मैं बताता हूँ मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ ब्रैकेट, ब्रैकेट पेयर को मैं यूज कर रहा हूँ, ये वो है ब्रैकेट पेयर कलराइजर। इससे क्या होता है ना, मुझे मेरे ब्रैकेट से पता चल जाता है कि कहाँ से कहाँ तक वो ब्रैकेट यूज हो रहा है, तो मैं ये सॉफ्टवेयर ब्रैकेट को इस्तेमाल करता हूँ। आप चाहो तो इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इससे आपके लिए आसानी हो जाती है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका पहला पैरा कहाँ तक है, ये इसका काम करता है। चलो हम इधर आ जाते हैं। अभी जब मैंने फर्स्ट पैरा लिखा, मैं इधर डाल दूंगा एक कलर, और कलर समझो मैं जैसे डाल दूँ इधर रेड, इसको कंट्रोल एस से सेव करूँ, और मैं इधर आऊँ तो आप देख सकते हो मेरा पहला पैरा, मैं सिर्फ पहला पैरा। हाँ अब इधर देखो, दिस इज अ सिंपल सिलेक्टर पे आ चुका है मेरा रेड कलर। अब अगर मैं यही काम अपने सेकेंड पैराग्राफ में करूँ, जिसमें लिख दूँ मैं आई डी, इधर लिख दूँ सेकेंड, सेकेंड पैरा, इसको मैं इधर सेव करके फिर यहाँ पर आके इधर एक हैशटैग डालूँ, हैशटैग सेकेंड पैरा कर्ली ब्रैकेट इंटर। अब देखो मैंने इधर लिखा हैशटैग सेकेंड पैरा, और गाइस बता चुका हूँ हैशटैग किस चीज़ के लिए यूज होता है। हैशटैग तभी यूज होता है अगर आप आईडी में, अगर आप आईडी से वो चीज़ को यूज कर रहे हैं, आईडी से जिसमें आपने डाला है, तब उसमें हैशटैग यूज करते हैं। इसके लिए मैंने आईडी डाला तो मैंने इसमें हैशटैग यूज किया है। अब मैं इसमें दे दूंगा कलर एक और, जैसे मैं इसमें कलर दे दूँ, इसमें मैं दे देता हूँ ग्रीन, मैं इसको जब सेव कर दूँ तो देखो मेरा इधर ग्रीन भी हो गया। और वही अगर मैं इसमें क्लास दे के करूँ, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, जैसे वो क्लास हो गया, मैं जब लिख दूँ वीजी ब्लू, वीजी ब्लू और रेड एलिमेंट, और मैं इसको सेव कर दूँ। और अगर मैं उसको सेकेंड पैरा की जगह मैं जब लिख दूँ वीजी ब्लू, और मैं उसको कंट्रोल एक्स से सेव करूँ, तो क्या ये कलर होएगा? तो आप देख लो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने इसमें क्लास डाला था, और अगर आप क्लास डाल के कोई चीज़ को यूज करते हैं तो आपको उसमें हैशटैग नहीं यूज करना रहता, आपको उसमें यूज करना रहता है डॉट, डॉट बी जी ब्लू। अब मैं इसको सेव कर दूँ, और अब मैं आऊँ तो आप देखो ये तो ग्रीन हो गया। यही अगर मैं बी जी ब्लू की जगह अगर मैंने डाल दूँ रेड एलिमेंट, अब मैं इसको सेव करूँ तो अभी भी देखो ये काम करता है। और अगर मैं डॉट डाल के सेकेंड पैरा लिखूँ तो सेकेंड पैरा,
तो क्या ये सेव चलेगा? एक सेकेंड, अब मैं इसको सेव करूँ तो क्या ये वर्क करेगा? तो आप देखो तो नहीं करेगा, क्योंकि डॉट पे हमारा क्लास वर्क करता है और हैशटैग पे हमारा आईडी यूज होता है। तो मैंने सिंपली से लिख दूंगा बीजी ब्लू। अभी आप फिर से देखो, मैंने बीजी ब्लू डाल के किया तो मेरा ये काम करता है। अभी आप समझ गए होंगे, अगर आप यहाँ पर हैशटैग करके यूज करो तो सिर्फ आपका ये आईडी को लोकेट करता है, आपका आईडी को। और वही अगर आप इसमें डॉट डाल के करोगे तो ये आईडी को ना यूज करते हुए आपके क्लास को लोकेट करता है कि क्लास में वही है, मेरे पास दो वर्ड है, एक तो है बीजी ब्लू और एक है रेड एलिमेंट। तो हमारे पास इधर आया है बीजी ब्लू, तो ये बीजी ब्लू को ही लोकेट कर देगा, रेड एलिमेंट को नहीं करेगा। वही अगर मैं इसके जगह रेड एलिमेंट डाल दूँ तो ये रेड एलिमेंट को लोकेट करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग एक थर्ड पैराग्राफ में भी करेंगे। हम लोग ये जो थर्ड पैराग्राफ में ना करते हुए अगर मैं यहाँ पर एक पेन बना लूँ और जब लिख दूँ दिस इज ए पेन और इसके साथ साथ एक मैं फुटर भी डाल देता हूँ इसमें, जैसे मैं लिख दूँ फुटर दिस इज माय फुटर और मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। ओ वन सेकेंड, मैंने फुटर की सेम डाल दी, मैं इसको सेव कर दूँ। अब देखो इधर मेरा दिस इज माय स्पैन, दिस इज स्पैन, दिस इज माय फुटर आ चुका है। मैं इसको माइक को हटा देता हूँ और अब हम लोग ना क्या करेंगे, इन दोनों को कलर देंगे। और वो कैसे मैं बताता हूँ कैसे। आपको क्या करना है, इधर आना है। अब मैं आऊँ इधर लिख दूँ कि फूटर जो है मेरा और उसके साथ जो मेरा स्टैंड है उनको, उन दोनों को लोकेट कर देना है, मतलब उन दोनों को ही फिर कलर देना है। तो अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूँ तो कैसा लगेगा? अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर समझ लो रेड दे देता हूँ, सॉरी मैं इसको बैकग्राउंड कलर अगर मैं पिंक दे दूँ और इसको मैं कंट्रोल एक्सेस सेव करूँ और आके इधर देखूँ तो देखो मेरा दोनों कलर हो गया। कैसे? क्योंकि हम लोग ने, अगर मैं इसको साइड बाय साइड लाता हूँ एक बार, क्योंकि मैंने देखो अभी मैं इसको थोड़ा जूम छोटा करता हूँ, मैंने जब फूटर और स्पैन को लोकेट करने बोला तो इसने मेरे इस फूटर और स्पैन के इसको लोकेट किया, फूटर और स्पैन को। और वही जब मैंने इसमें बोला था इसको bg.blue माने क्लास को लोकेट करो, तो इसने स्टाइल ने क्या किया, गया सेकंड पैरा में देखा, पहले फर्स्ट पैरा को चेक किया कि भैया इसमें कोई bg.blue है क्या, तो इसमें आपको उसको नहीं मिला। फिर आया सेकंड पैरा में, सेकंड पैरा में देखता है हाँ इसको सेकंड पैरा में मिल गया। ये एक बार थर्ड में भी चेक करेगा कि इधर भी bg.blue नामक कोई चीज़ है या ना, नहीं तो उसको नहीं मिला। तो इसने क्या कर दिया, फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा से इसने ग्रीन कलर दे दिया। और मैंने फर्स्ट पैरा में आईडी लगाया था तो उसके लिए मैंने हैशटैग करके फर्स्ट पैरा लिखा, तो इसने इसको एक रेड कलर दे दिया। और अब मैं क्या करूँगा, इसको भी एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। आई होप आप समझ आ रहे होंगे कैसा करना है। अब मैं इसको भी अगर सेकंड पैरा को एक बैकग्राउंड कलर दे दूँ, मैं आपको अभी सामने सामने दिखा रहा हूँ, एक काम करो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को बराबर ना दिखेगा बनना। अभी देखो मैंने इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँ अगर रेड। और मैं इसको अभी सेव करूँ और इधर आऊँ तो आप देखो इधर है, पर ये इतना समझ में नहीं आ रहा। मैं काम करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर मैं वाइट दे देता हूँ। मैं इसको वाइट दे देता हूँ तो आपको दिखेगा। जैसे देखो दिस इज अ सिंपल सी एस एस सेलेक्टर। और गाइस मैं आपको भी बता देता हूँ, जैसे समझो ये जो मेरा सी एस एस सिलेक्टर है, अगर मेरे को इसको उधर नहीं दिखाना है, मतलब इधर मेरे को नहीं दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कट करना नहीं चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा इधर एक कॉम हटा दूंगा इसको। कैसे? मैं दो कमांड डालूंगा, वो क्या है, मैं ये कुछ वन सेकेंड मैं कुछ ऐसा ही इधर दूंगा और आखिर में आपको भी अरे वन सेकेंड
आपको करना है, आपको इधर लिख लेना है कुछ ऐसे जानना है। और वन सेकेंड, ये क्या हो गया, कुछ ऐसे या कुछ एक एफएक्स मार्क दो माइनस के साइन। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया, मैं इसको इधर से कट कर दूंगा, कंट्रोल एक्स करूंगा, तो आप देखिए पूरे का ग्रीन कलर हो गया। मैं भी हटा दूंगा, यहाँ से आऊंगा इधर, अरे कंट्रोल भी करूंगा। और ये जो साइन है ना, अब ये देखो मैं इसको सेव करूँ बिना कट किए और इधर आऊँ, तो अब देखो मेरा इधर से चला गया, मेरा ये CSS सिलेक्टर हट गया। अब ये देख लो फिर, ये देखो। और वही अगर मैं इस कमेंट आउट को हटा दूँ, इसको कमेंट आउट बोलते हैं, कि कमेंट आउट तो क्या हो जाता है कि आपको ये जो चीज़ है आपको दूसरे को नहीं दिखाना है कि भाई मेरे पास ऐसा कोई चीज़ है। तो अभी जैसे मैंने हटा दिया फिर आ गया, और जैसा ही चीज़ CSS में भी होता है, कैसा होता है CSS में मैं आता हूँ। जैसे इसका कलर वाइट है तो मैं चाहता हूँ इसको हटाएं, तो मैं एक स्लैश दूंगा, एक स्टार मार्क दूंगा और फिर जराऊंगा, लास्ट में एक स्टार मार्क दूंगा, फिर एक स्लैश दूंगा और मैं इसको सेव कर दूंगा। अब देखो कलर वाइट चला गया। ये कमेंट आउट CSS का होता है, CSS का कमेंट आउट कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको इसका दे देता हूँ कैसा दिखता है, मैं आपको इधर दे देता हूँ। This for CSS. अब आप देख सकते हो this for CSS माने, या आपको तो मैं अगर ये सोर्स को मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं आपको ये सोर्स कोड दे देता हूँ। हाँ मतलब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये सोर्स कोड का लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लो। इससे क्या होगा ना, आपको ये इतना ध्यान रहेगा कि ये चीज किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, कौन सा कमेंट आउट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसके लिए आपको दे दे रहा हूँ, दिस इज फॉर HTML, राइट। अभी मैं इधर लिख देता हूँ, तो दिस कमेंट फॉर HTML, उसको कमेंट भी बोला जाता है, और दिस कमेंट फॉर CSS। गाइस मैंने आपको शायद से अपने पिछले वीडियो में कभी बताया होगा कमेंट के बारे में, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर नहीं बताया तो आप इधर से देखो, ये कमेंट में इसका HTML का कमेंट कुछ इस तरीके से रहता है, HTML का कमेंट इस तरीके से रहता है, और जो CSS का कमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। आई होप आप समझे होंगे, कि अगर आप इसी वीडियो में समझ जाते हैं और आई होप आप समझे होंगे, तो अगर आप कुछ पार्ट ऐसा जो ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो लिख के भेज सकते हैं कि भाई मुझे ये पार्ट ठीक से समझ में नहीं आया, मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा। तो अभी इसको आने दो, अभी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप ये जो पूरे पैराग्राफ दिख रहे हैं आपको, मैं आपको आप लोग को ये पूरे पैराग्राफ दिख रहे हैं जो मैंने ये पैराग्राफ से बनाया था, ये तीन अब मैं बताता हूँ इन तीनों को एक साथ कैसे कर सकते हो। मैं जब लिखूंगा पी, मैं ना इसको बॉर्डर दे दूंगा, मैं जब लिखूंगा बॉर्डर, अब मैं आपको बता देता हूँ बॉर्डर क्या होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जो भी मैं पिछले वीडियो नहीं देखा है वो भी आप देख लो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ना इस ये बॉर्डर ना क्या होता है, बॉर्डर का मतलब ये होता है कि आप लोग जो भी इधर ये एक बॉक्स बना सकते हो, मतलब आप लोगों ने जैसे ये लिखा है यहाँ पर ये लिखा है तो इतने पे एक बॉर्डर बन जाता है एक डब्बे जैसा। मैं दिखाता हूँ कैसा, मैं जब लिखूंगा टू पिक्सल सॉलिड, और हाँ आपको बता देता हूँ आपको सॉलिड की स्पेलिंग हमेशा याद रखनी, SOLID सॉलिड की स्पेलिंग है, दिस टू पिक्सल सॉलिड। मैं जो डालूंगा आरली रेड, और मैं इसको जब पिंक कर देता हूँ क्योंकि दोनों रेड रेड अच्छे से दिखेंगे नहीं, पिंक मैं इसको सेव। अब मैं इधर आऊँ तो आप देख सकते हो ये होता है हमारा बॉर्डर, आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके, ये जो आप देख रहे हैं ना डब्बा जैसा चौकोन डब्बा स्क्वायर टाइप डब्बा, इसे बोला जाता है बॉर्डर CSS में, ये बॉर्डर होते हैं। आप देखो मैंने सिर्फ मैं डाल रहा था बॉर्डर किसके लिए, इन दोनों के लिए, इन मतलब पैराग्राफ्स के लिए, तो ये पैराग्राफ्स में बॉर्डर हो गए। अगर मैं
यहाँ पर आऊँ फुट ऑफ स्पैन के सेक्शन में, इधर आके मैं जब भी बॉर्डर डाल दूँ एक बॉर्डर, उसको भी दे दूँ 2 पिक्सल सॉलिड। देखो अभी मैंने सॉलिड की सेटिंग गलत लिखा है, मेरे को पता चल गया, बट मैं अगर जस्ट 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लिख के सेव कर लूँ और आऊँ, तो देखो मेरा कुछ नहीं हुआ, इधर कोई भी बर्ताव नहीं दिखेगा आपको, मतलब इधर कोई चेंज नहीं, चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे। वही अगर मैं एल और आई को फिर से सही कर दूँ, एल और आई, अब ये हो गया सॉलिड। अब मैं इसको सेव करूँ तो आप देख सकते हैं हो गया, बट ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको नहीं रखूँगा, आई मैं इसको हटा दूंगा। और अभी मैं इधर आपको एक और कमेंट दे देता हूँ जिससे आपको ये याद रहे है भाई, आप लोग जो है ना इसको ज़रूर से डाउनलोड कर लेना इस कमेंट को, क्योंकि आप लोग कोई बाद में काम आएगा कि भाई कमेंट किसमें, सीएसएस का कमेंट क्या है, स्टाइल एचटीएमएल का कमेंट क्या है, और सॉलिड में गलती से भी आप स्पेलिंग गलत मत लिखो, इसके लिए मैं ये दे दूंगा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो यार, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे मेरे वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, भी वेब डेवलपमेंट पाइथन टेरिटेल की भी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो भाई जरूर से कर दो, आपको बताता हूँ कैसे एक्सेस कर लेना है। आप जैसे मेरे वेब डेवलपमेंट के इसमें आओगे प्लेलिस्ट में, आपको सारे वीडियो मिल जाते हैं मेरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं आपको वो लाइन से मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लो। मैं इस वीडियो को भी इधर डाल देने वाला हूँ, आप ज़रूर से देख लेना। और आपको कैसे स्टार मार्क करना है मैं बता देता हूँ, आपको इधर एक स्टार बुक मार्क दिख रहा होगा, जिस पे इधर करो ऐड बुक मार्क पे करो, और आपको इधर देखो मिल जाता है वेब डेवलपमेंट कोर्स, और उसको आपको डन कर लेना है। और आप जैसे कभी भी नया टैब खोलोगे तो आपको मेरा वेब डेवलपमेंट का टाइटल पहले मिल जाता है, तो प्लीज़ कर देना यार। और देखो मैंने अभी ब्लैक हटाया है, मैं उसको सेव कर दूँ, और इधर देख लो, ओह मेरे को स्टाइल लगा दिया लगता है। देखो भाई मैंने ना अभी तक आपको बता देता हूँ, देखो मैंने अभी तक इस कमेंट आउट को ओवर नहीं किया, मतलब मैंने इसको ऑफ नहीं किया कि कहाँ पर ये ऑफ होगा, मैंने इसको सेव कर दिया, तो आप देखो मेरा इसने पूरा हर एक स्टाइल को हटा दिया भाई, कि इसको कंफ्यूज हो गया कि कहाँ तक कमेंट आउट है, मैंने इसमें कमेंट आउट ओवर लिखा ही नहीं है, तो ये हो जाता है। और जैसे मैं इसको हटा दूँ, बंद कर दूँ, शिफ्ट 8 पे आपको क्लिक करके इसको मैं बंद करके सेव कर दूँ, तो देखो मेरा सब कुछ हट गया, मेरा सब कुछ जैसा था वैसा का वैसा आ गया। ये कमेंट आउट में रहना ज़रूरी है, समझ जाना। तो भाई मिलते अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और लाइक करके बेल आइकन को ऑल पे करना मत भूलना, तब तक के लिए बाय बाय।